राम राम जी सबको। संतोष धवन के चैनल में आपका स्वागत है। कल करवा चौथ है, सभी बहनों ने अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर ली होगी, मेहंदी वगैरह लगवा ली होगी। मैंने भी थोड़ा बहुत कर लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, लेकिन बस थोड़ा मन किया तो थोड़ी मेहंदी लगा ली है। इसमें मैंने करवा चौथ लिख दिया है और दिए बना दिए हैं और फूल पत्तियाँ बना दी हैं, क्योंकि हमारे जाटों में ज़्यादा इसको नहीं मानते हैं। अब तो फिर भी थोड़ा जो नई बहुएं आ गई हैं वो टीवी सीरियल वगैरह देख देख के और कर लेती हैं गिफ्ट वगैरह के लिए, लेकिन ना तो हमारी दादी ने और ना ही हमारी माँ ने कभी रखा था और ना ही हमें सिखाया है। मैंने भी बहुत बाद में रखना शुरू किया, जब हम फोर्स में थे तो सब बोलते थे आप रखते नहीं हो, रखते नहीं हो, रखना चाहिए, ये तो ज़रूरी है, ये की तो वर्त आता है। तो तब मैंने फोर्स में आने के 10-12 साल बाद में मैंने रखना शुरू किया था, क्योंकि हम वैसे भी आर्य समाज जी हैं तो ज़्यादा पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, खाली हवन वगैरह कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है तैयारियों के बारे में, तो मैं अभी बनारस गई हुई थी और आपको पता ही है बनारस तो बनारसी साड़ियों के लिए फेमस है। वहाँ ईशा पोस्टेड थी, अभी तो चंदौली चली गई है DM बन के। वहाँ एक यूनिक साड़ियाँ बनती हैं, तो मैं भी अपनी करवा चौथ के लिए ये घाट डिज़ाइन साड़ी लेके आई हूँ। ये अभी अभी उन्होंने नया कंसेप्ट शुरू किया है, घाट डिज़ाइन साड़ी, मतलब जो जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको जरी में पिरोते हैं, ये बुनाई में लाते हैं। ये देखिए, ये काशी विश्वनाथ के मंदिर का जो फोटो है उसको जरी में वीवर्स बुनते हैं, और ये जैसे गंगा नदी में नाव चलती हुई नाव दिखाते हैं और नीचे बॉर्डर होता है, ये सब अभी यूनिक काम है। ये अभी अभी चली है, कोई कोई व्यूअर बनाता है, हर एक व्यूअर बनाता भी नहीं है। तो मैं भी ये एक साड़ी लेके आई हूँ, ये देखिए, ये ग्रीन कलर में है और ये इसका ये मैंने लेस लगा ली है किनारे पर, ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा क्योंकि सिल्क तो वैसे ही ग्रेस देगी। और ये मैंने ब्लाउज तैयार किया है, इसमें मैं ज़्यादा बड़े गले नहीं पहनती हूँ, तो छोटे गले में मैंने लेस वगैरह लगा के दोनों एक तरफ से कर लिया है, साइड में जिप लगा के। तो ये मैं सोच रही हूँ कि कल पहनूँ, अगर मन किया तो, नहीं तो कुछ और भी पहन सकती हूँ। लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये मुझे बहुत प्यारा लगा और जिसने भी देखा सबने डिमांड की कि मैडम हमें भी ला के दो, हमें भी ला के दो। तो मैंने 5-6 साड़ियाँ अपनी फ्रेंड्स को ला के दी हैं, किसी को ब्लू कलर में, किसी को मैरून कलर में, किसी को मैजेंटा कलर में। तो ये पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा ग्रेस देती है। तो देखते हैं अब कैसे मैं पहनूँ या नहीं पहनूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको पहनूंगी जरूर, और ये अलग ही दिखेगी सबसे। तो धन्यवाद, कल देखते हैं कैसे व्रत पूरा कर पाएंगे आपके बताना कैसे रिवाज है कब। हम तो 11-12 बजे कहानी करके और चाय वगैरह पी लेते हैं, तो सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो जो भी बताना चाहे तो कमेंट में बताना प्लीज़, कि आप कितने बजे कथा सुनते हो और कितने बजे आप व्रत, व्रत तो पता ही है चांद देख के खाना खाते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने अपने टाइम से, कोई 4 बजे सुनता है, कोई 5 बजे सुनता है, कोई 1 बजे सुनता है, कोई 2 बजे कथा करता है, तो उस हिसाब से बताना कि आप कितने बजे करोगे और क्या पहनोगे। धन्यवाद।